स्वागत है आपका गंभीर न्यूज में। मैं हूं संजीव गंभीर। आज इनकलाबी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ताओं ने एक किसान की मौत को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आरोप लगाए गए कि उक्त मजदूर ने खुदकुशी कर ली है या आत्महत्या कर ली है। प्रस्तुत है ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमरजीत सिंह की ये रिपोर्ट, जिसमें आप सुनेंगे प्रदर्शनकारियों ने किसान की मौत को लेकर क्या कहा है। जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, खबरें अच्छी लगती है तो घंटी बजाना मत भूलिएगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामसेवक है। बताइए क्या यह ज्ञापन दिया आज? क्यों ज्ञापन दिया आज? जो ज्ञापन दिया है कि किसान है औला क्षेत्र के बकरी गांव के उमरपाल, जिन पर तमाम कर्जा हो गया था और स्विच बोर्ड लगातार उन्हें धमकियाँ दे रहे थे और वो नहीं दे पा रहे थे। दो बैंकों से भी कर्जा लिया था, यहाँ तक कि जो प्राइवेट स्विच बोर्ड थे उन्होंने पौने चार बीघा जमीन भी उनकी कागज रख लिए थे अपने पास और लगातार उन्हें धमकियाँ मिल रही थी। उनके चार बच्चे थे, दो लड़कियाँ थी जिन्हें 15 दिन से बुखार आ रहा था और वो प्राइवेट जो इलाज करा रहे थे सरकारी उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो ये भी उनकी चिंता थी कि लड़कियों को प्राइवेट में इलाज कैसे कराया जाए। वो किसी से पैसे का इंतजाम करने गए थे और फिर वो लौट के नहीं आए। पता लगा दूसरे दिन को कि उन्होंने पेड़ पर लटक के फांसी खा ली। तो हम लोगों की साथ ही मांग है कि सरकार जो है जो बैंकों का जो कर्जा है वो माफ़ करे और उनके जो जो खेत रखा हुआ है उसके लिए एकरारनामा रद्द करे और जो है उनके परिवार को 25 लाख मुआवजा दिया जाए। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? हाँ जी, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आप अपर नगर कलेक्टर मिले थे, उन्होंने कहा हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये साहब